मुलाकात करने के लिए फ्रांस की संसद पहुंचे हैं। फ्रांस की संसद, नेशनल असेंबली और सेनेट, एक तरह से दो सदन हैं, जिस तरह से हम भारत के संसद में देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इस तरह से राज्यसभा का स्तर सेनेट का रहता है। सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, सेनेट के प्रेसिडेंट मिस्टर गेरार्ड लार्चर से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद एक तरह से प्रधानमंत्री के साथ जो प्रतिनिधिमंडल है पूरा, उनसे मुलाकात हो रही है मिस्टर गेरार्ड की। चाहेंगे आप इस पे और इन तस्वीरों पे और कुछ बातों को साझा करें। जी बिल्कुल, आपने ऋतु सही कहा। अपर हाउस है, यहाँ अपर हाउस को सीनेट कहते हैं। तकरीबन 348 350 सदस्य हैं अपर हाउस में, और नेशनल असेंबली यहाँ की लोअर हाउस है, जो हमारे यहाँ लोकसभा के तर्ज पर आप कह सकती हैं। तो पीएम मोदी की जो मुलाकातें होने वाली हैं, वो नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करने वाले, अभी उनकी मुलाकात सीनेट के प्रेसिडेंट से हो रही है। इसके ठीक बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्ने से होगी। हम जानते हैं कि उन्होंने ही पीएम मोदी को आज एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। तो एक बहुत वार्म वेलकम हर तरफ से, सीनेट हो, नेशनल असेंबली हो, यहाँ की सरकार हो, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है, सबकी तरफ से एक बहुत भावपूर्ण एक स्वागत पीएम मोदी का यहाँ किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर बीते 9 वर्षों में जो भारत की जो विकास यात्रा रही है, खासतौर से पीएम मोदी के नेतृत्व में, ना सिर्फ भारत आज एक दुनिया के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर खड़ा हुआ है, बल्कि एक ट्रस्टेड पार्टनर फ्रांस के लिए जिस तरह से बना है हर मोर्चे पर। मैं पेरिस समझौते की इसलिए भी बात कर रहा था, आपको याद होगा कि COP21 में अमेरिका के एक तरफ से हाथ खींचने की वजह से किस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी, और उस वक्त भारत ने कहा था कि वो यहाँ से जो समझौते की चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने की वो कोशिश करेगा। और भारत सबसे बड़ा ऐसा एक अकेला मुल्क था जिसने लेटर एंड स्पिरिट में उन तमाम वायदों को पूरा किया फ्रांस के साथ मिलकर। उसके बाद हमने देखा उसी दौरान किस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो लॉन्च किया गया फ्रांस के साथ। तो सिर्फ ये फ्रांस के साथ साझेदारी सामरिक रक्षा क्षेत्र की नहीं है, हम जानते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र की नहीं है, लेकिन ये जो नए जो भी क्षेत्र सामने आते हैं, नई जो चुनौतियां सामने आती है, जो नई परिस्थितियां, दोनों देश बहुत गहराई से अपनी समझ को साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ साझेदारी में आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर इसमें एक तरह से सीनेट चाहे नेशनल असेंबली की बात हो, तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से ये भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश है। बिल्कुल सुधाकर, हमारे साथ प्रभु दयाल साहब भी जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेनेट के प्रेसिडेंट मिस्टर गेरार्ड लार्चर से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही वहां पे तमाम और सेनेट के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मौजूद है, आप तस्वीरें देख रहे हैं जो मुलाकात हो रही है, किस तरह से आप दोनों देशों के संबंधों को एक नई रफ्तार, एक नई गति, एक तरह से नया अध्याय भारत फ्रांस के बीच आप देखते हैं इन तमाम मुलाकातों के साथ भी? देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि कितनी गर्म जोशी से प्रधानमंत्री का इस्तकबाल किया जा रहा है, और ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वहां उनका बहुत गर्म जोशी से वेलकम किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद अपनी तरफ से वार्म दिखाते, उत्साह दिखाते। तो ये जो गर्म जोशी है ये बिजनेस कम्युनिटी में देखती है। देखिए, अगर पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छी होती है जी, अगर पॉलिटिकल रिलेशनशिप में वार्म्थ होती है तो बिजनेस कम्युनिटी भी आगे बढ़ती है और कोशिश करती है कि वो इस गर्मजोशी का कैसे फायदा उठाए। प्रभु दयाल जी, द्विपक्षीय संबंधों में हर क्षेत्र में प्रबुद्ध व्यक्तियों से मुलाकातों के अपने मायने होते हैं, तो जब हम संसद के सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात को देखते हैं तो इसके क्या सिग्निफिकेंस, क्या मायने होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा में जहां इंडियन डायस्पोरा से भी मिलेंगे, वहीं बिजनेस तमाम सीईओ से भी मिलेंगे, लेकिन अभी ये जो मुलाकात हो रही है इसका क्या सिग्निफिकेंस? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये दर्शाता है कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप इंडिया और फ्रांस में कितनी तंदुरुस्त है, और ये
वाइड स्प्रेड है, अक्रॉस द बोर्ड है, यानी सेनेट के चेयरमैन के साथ मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, हर तरफ उनको गर्मजोशी से इस्तकबाल उनका किया जाता है। तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप कितनी तंदुरुस्त है भारत और फ्रांस की, जी ये दर्शाते जी प्रभुदयाल जी। एक बार हम अपने दर्शकों को, आप अपनी बात पूरी करिएगा, उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्टर गेरार्ड लार्चर जो कि सेनेट के प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों के बीच की ये मुलाकात के ये दृश्य आप देख रहे हैं। जी प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि जब पॉलिटिकल रिलेशनशिप में इतनी गर्मजोशी होती है तो सब सेक्टर में बढ़ावा देखने को आता है। अब ट्रेड फाइनेंस इकोनॉमी की बात कीजिए, जब बिजनेसमैन देखते हैं कि इन दो कंट्रीज में अच्छे रिश्ते हैं तो वो भी आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि आपने जिक्र किया था कि फ्रांस की 1000 कंपनियां भारत में मौजूद हैं और इनका टर्नओवर लगभग $20 बिलियन है। तो ये किस वजह से? क्योंकि वो देखते हैं कि भारत में वो वेलकम है, भारत के साथ फ्रांस के रिश्ते अच्छे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 210 इंडियन कंपनीज फ्रांस में ऑपरेट कर रही हैं और उन्होंने भी वहां बहुत निवेश किया है। और फ्रांस इस वक्त जो है वो नंबर 11 पे है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की लिस्ट है, उसमें भारत में जो फ्रांस ने निवेश किया है वो नंबर 11 पे है और ये बढ़ता जा रहा है। और हम ये आगे देखेंगे, देखिए कि अब ये जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल हो गए और आगे का रोड मैप तय हो रहा है, तो इस सब के संदर्भ में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है ये और इसको बढ़ावा मिले। जी, हमारे साथ मेजर जनरल अस्थाना साहब भी मौजूद हैं। मेजर जनरल, ये कहा जा रहा है कि इस पूरी यात्रा में रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा, जिसमें 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद की एक तरह से संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, साथ ही साथ स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद की भी जो बात हो रही है, इसी के साथ क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज पर किस तरह से सहयोग को आगे बढ़ाते हैं, इन तमाम मसलों पर आगे बढ़ते समय क्या ये दृश्य बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब फ्रांस के सांसदों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है? ये क्या संदेश देते हैं, ये क्या संकेत देते हैं दोनों देशों के संबंधों को लेकर? देखिए, अगर आप लंबी पार्टनरशिप के में उत्सुक हैं जैसे कि हम लोग हैं, तो उस हालत में ये जरूरी होता है कि आप सभी सांसदों से मिलें, क्योंकि सब सांसद जो हैं वो दोनों पार्टीज के हैं, कोई पार्टी पावर में है, कोई जो अपोजिशन भी है वो भी वहां मौजूद है। तो जब आप एक लंबा समय निर्धारित कर रहे हैं कि कम से कम 25 साल हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, और जब आप एक लंबी यात्रा की तरफ जा रहे हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये जाहिर है कि सिर्फ जो गवर्नमेंट है वही काफी नहीं है। अगर आप सबको साथ मुलाकात करते हैं, सबके साथ आपके आपके संबंध अच्छे हैं, तो राजनीतिक तौर पर भी चाहे गवर्नमेंट चेंज हो, रहे अपोजिशन पार्टी में आए, आपके संबंधों पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है, जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं इसकी महत्वता इससे बढ़ जाती है। दूसरी बात, जहां तक रक्षा सौदों का सवाल है, अभी रक्षा सौदे सिर्फ रक्षा के ही क्षेत्र में उनका औचित्य नहीं रह गया है। अभी क्या है कि सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो हैं उनका सबसे ज्यादा इनकम आजकल डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है, और हम लोग भी, भारत भी ये चाह रहा है कि अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं, अगर हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ते हैं और इसका हम निर्यात करने की हालत में आते हैं, तो उससे जो इनकम होती है वो काफी महत्वपूर्ण है और वो देश को, देश में रोजगार पैदा करती है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस कॉरिडोर जो हम बनाना चाह रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के तौर पर हम अलग अलग इक्विपमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो उससे जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। जॉब्स क्रिएट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो अभी डिफेंस जो है वो अकेला डिफेंस सिर्फ खतरे की तरफ ही ध्यान ना करते हुए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बन गया है। बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना सिर्फ युद्ध के लिहाज से ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि किस तरह से देश में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, चाहे वो रोजगार सृजन के हो या तमाम और क्षेत्रों में हो। मैं अपने तीनों ही मेहमानों से, सुधाकर आपसे भी अनुरोध करूंगी, साथ ही प्रभु दयाल जी आपसे भी, और मेजर जनरल अस्थाना जी भी, कि आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा से जुड़ी खबरों पर और इस चर्चा पर ही।